नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। रुक करते हैं यूपी की खबरों का। अयोध्या की परंपरागत रामलीला की व्यवस्था को लेकर रामनगरी के संतों ने नाराजगी जताई है। इस रामलीला को लेकर रामनगरी के बड़ा भक्तमाल मंदिर में अयोध्या संत समिति ने विरोध में बैठक की है। इस बैठक में फिल्मी सितारों के द्वारा आधी अधूरी और गैर पारंपरिक ढंग से पेशकश की जा रही है। रामलीला पर संत समाज के लोग नाराज हैं। 17 अक्टूबर को गोरखपुर में संत समिति मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराएंगी। संतों ने मांग की है कि अयोध्या की रामलीला मंडलियों ने विदेशियों तक पंचम लहराया है। आध्यात्मिक धार्मिक परंपरा वाली रामलीला का आयोजन हो, बड़ा भक्तमाल मंदिर में संतों की बैठक खत्म होने के बाद महंत अवधेश दास ने कहा कि फिल्मी हस्तियों की रामलीला के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 17 सितंबर को मुलाकात करेंगे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सतीश यादव की रिपोर्ट। उनके भी समग्र विचारों का समर्थन करते हुए ये जानना चाहता हूँ कि रामलीला का विरोध नहीं है। रामलीला 100 जगह पर हो, 108 जगह पर हो, 1008 जगह पर हो, अयोध्या से उदयाचल से अस्ताचल तक पूरे ग्राम ग्राम में हर चौराहे पर रामलीला हो, उसकी विरोध नहीं है। लेकिन रामलीला हो और रामलीला का प्रदर्शन के रूप में केवल इस प्रकार से उपहास और हास्यास्पद लीला न हो, क्योंकि हम लोगों की उपासना में श्री राम जी का अवतरण अयोध्या में हुआ, जन्म अयोध्या में हुआ और अयोध्या में भगवान का प्राकट्य जब हुआ तो भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की उक्ति के अनुसार, श्री रामचरित्र मानस के अनुसार 5 लीला भगवान श्री राम जी ने किया। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज लीला, ये 5ों लीलाओं को दिखाएं। रामानंद सागर जी ने जो रामलीला की प्रस्तुतिकरण की उसके पहले वो समग्र शास्त्रों को टटोला, समग्र शास्त्रों की जो है संदर्भित कड़ियों को जोड़ने के बाद जो रामलीला प्रस्तुत किए उसकी सराहना आज हो रही है। और घर घर में लोग ट्रेनों से उतरकर, बसों से उतरकर, अपनी गाड़ियों को रोककर रामलीला के समय 9 से 10 देखते थे। वो लीला और उस शैली में लीला होनी चाहिए। लीला का कोई विरोध नहीं कर रहा है, रामलीला का कोई विरोध नहीं कर रहा है और लक्ष्मण किला में होने जा रहा है, इसका लक्ष्मण किला का कोई विरोध नहीं कर रहा है। लोग प्रस्तुत करेंगे कि लक्ष्मण किला का विरोध किया जा रहा है, लोग प्रस्तुत करेंगे रामलीला के विरोधी ये लोग हैं। भाई, रामलीला के हम लोग विरोधी नहीं हैं, लक्ष्मण किला के विरोधी नहीं हैं। रामलीला के नाम से जो प्रदर्शन हो रहा है और जो भ्रष्ट लोगों को रामलीला के पात्र बनाकर जो प्रस्तुतिकरण करने पिछले बार की गई उसकी पुनरावृत्ति होने जा रही है, इसलिए हम लोगों का बार बार विरोध है। यदि ऐसी लीला का विरोध हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोगों की उपासना पद्धति का जो है सरास हो जाएगा। धर्म शास्त्र से संदर्भित रामलीला करें, इसका हम लोग बार बार, रामलीला का पोषक हैं, रामलीला के उपासक हैं। श्री सीताराम जी की उपासना और पद्धति से भिन्न जो लीला होगी उसका विरोध। रामलीला शारदीय नवरात्रि में सब जगह होती है, होनी चाहिए, पूरे देश में होती है, विदेश में होती है, हम उसका विरोध नहीं करते। इसी अयोध्या में इंडोनेशिया की रामलीला आई, हमने उनकी वेशभूषा पर कोई टीका टिप्पणी नहीं किया, हमने उस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की, लेकिन अयोध्या की रामलीला के नाम से घोड़ा प्रदर्शन हो और ये रामलीला करने वाले लोग मांसाहारी लोग, दारू पीने वाले लोग, और ये अनुष्ठान की लीला, ये फिल्मी स्टाइल की बम्बई की लीला नहीं है, ये अयोध्या में मर्यादा है, शिष्टाचार है, साहित्य है, वेशभूषा है और शास्त्र है। जब इन सब चीज़ों का ज्ञान हो तो रामलीला अच्छी लगेगी। लेकिन अगर ये घोड़ा प्रदर्शन जैसा पिछली वर्ष इन्होंने किया, मुगलिया शेरवानी पहन के नानक जी आ रहे हैं, राजस्थानी तुर्री वाला जूता पहन करके आ रहे हैं, ये जो अमर्यादित वेशभूषा को लेकर के और अमर्यादित साहित्य को लेकर के अगर यहाँ पर रामलीला होगी तो इस रामलीला का हम लोग विरोध करेंगे
और विरोध जहां तक बन सकेगा चरम तक ले जाएंगे इस विरोध को, लेकिन इस प्रकार की रामलीला अयोध्या वासियों को मान्य नहीं है। हमें उपासना की लीला चाहिए, साधना की लीला चाहिए, मर्यादा की लीला चाहिए, सनातन की रामलीला चाहिए, न कि फिल्मी दुनिया की रामलीला चाहिए। सनातन धर्म में आज विचार करिए, आज हमारे धर्म को किस प्रकार से सत्यानाश करने के फिल्मी दुनिया के लोग तैयार है। भगवान कृष्ण मोबाइल लेकर के हाथ में खड़े हैं और दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है, संदेश दे रहे हैं कि भगवान कृष्ण कपड़ा ढूंढ रहे हैं दुकान पर। अब इस प्रकार का संदेश ये फिल्मी दुनिया के लोग कार्टून बना करके अगर हमारे भगवान को प्रस्तुत करेंगे तो हम लोग इस रामलीला का पुरजोर विरोध करेंगे। हम इसका परिणाम क्या होगा इसकी हमको कोई चिंता नहीं है। सरकार से क्या मांग रहा है? सरकार से हमारी मांग ये है कि रामलीला करवाए। हमारे अयोध्या में मर्यादित रामलीला है, हमारे अयोध्या के मंडल विदेश तक जाकर के नाम कमा करके आए हैं, उन रामलीला का प्रदर्शन करें जिससे हमारी साधना उपासना साहित्य और शास्त्र का प्रचार हो, न कि अशास्त्रीय ढंग से रामलीला हो। हम इसका विरोध करते हैं और सरकार से मेरी मांग है कि सनातन से बहुत प्रोत रामलीला चाहिए, दूसरी रामलीला हमको मंजूर नहीं है। महाराज जी, क्या मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे? जरूर करेंगे, मुख्यमंत्री जी जाएंगे, हम लोग मिलेंगे। किससे मुलाकात करेंगे? मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और मिल करके उनको बताएंगे, वो महात्मा है, निश्चित बात है हमारी वेदना को मुख्यमंत्री जी समझेंगे कि हम सनातन धर्म के लोगों की क्या वेदना है। और मैं जानता हूँ कि धर्म के प्रति आज जो मुख्यमंत्री जी के अंदर आस्था है, जो धर्म नाराजगी केवल इस बात को लेकर के है कि अयोध्या जी की एक ऐतिहासिकता संपूर्ण विश्व में विदित है, यह राम जी की भी जन्मभूमि रही है, राम लीला की भी जन्मभूमि रही है, रामचरित मानस की भी जन्मभूमि रही है, और उसका जो कांसेप्ट है, श्री राम जी का जो चरित्र है, रावण से भी पूछा गया था कि तुम राम जी का चेहरा बनाना जानते हो, राम जी का जब मुखौटा लगा लेते हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है, तो रावण जैसे दुष्चरित्र ने भी कहा था कि मैं जब राम जी का मुखौटा लगा लेता हूँ तो संपूर्ण विश्व की सारी संपदा मुझे तुच्छ एकदम तिनके की तरह दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार के चरित्र की शिक्षा और संदेश देने वाली जो रामलीला है, उस रामलीला को उसी रूप में होना चाहिए, संपूर्ण विश्व देखता है इस वर्चुअल रामलीला को, तो ये वर्चुअल रामलीला होते हुए भी संदेश एक्चुअल देता है, तो एक्चुअलिटी जिस रामलीला में रहती है वो हमारे अयोध्या के रामलीला की परंपरा रही है, इसका अनुसरण संपूर्ण देश करता रहा है। हम लोग केवल इतना ही चाहते हैं कि ये वर्चुअलिटी के जगह इसकी जो एक्चुअलिटी है उसको ना बिगाड़ा जाए, और इसके लिए हम लोगों ने अभी प्रश्न उठाए गए कि अभी आप लोग जब भूमि पूजन हो रहा है, तैयारी हो रही है, तब आप लोग कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग 3 महीना पहले भगवदाचार्य स्मारक सदन में लगभग अयोध्या के 80% पूज्य संत महंतों ने बैठ करके यह निर्णय किया था, सरकार को अवगत कराया था, हम लोगों ने पत्र के माध्यम से भी मुख्यमंत्री और सब लोगों को अवगत कराया है। बावजूद इसके अगर सरकारें हमारे धर्म और नीति की, हमारे जो इष्ट और आराध्य हैं उनके चरित्र की परिभाषा तय करने लगेंगे तो ये बात उचित नहीं है, और ये सर्वथा